नमस्कार, मैं टीना राठौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन दर्पण मन की बात में। आज हमारे बीच में मौजूद है गजेंद्र जी राव। आइए जानते हैं उनके निजी जीवन के बारे में और उनकी इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल के बारे में। सर, आपका पीआरजी स्टूडियो में ढेर सारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे अब तक जितने भी कलाकार यहाँ पे आए हैं, जितने भी शख्सियत हमारे यहाँ पे मौजूद हुई है, उनसे सबसे पहला सवाल हमारा यही रहा है उनकी फैमिली और स्टडी के बारे में। आप अपनी पढ़ाई और परिवार के बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत जय बाप जी के। और मेरा परिवार तो पिताजी अब दुनिया में है नहीं और माता जी के साथ में ही रहते हैं। हम दो भाई हैं, एक बहन है और मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं जी। और पढ़ाई तो क्या है, वैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ जी और फार्मेसी तक डिप्लोमा किया हुआ है जी। तो आपने कभी मेडिकल लाइन में जाने के लिए कभी सोचा नहीं, क्योंकि आपने फार्मासिस्ट अगर आप हो तो? नहीं, वैसे मेरी मेडिकल की शॉप है, 7-8 मेरी जोधपुर में मेडिकल की शॉप है, लेकिन बड़े वाले भैया भी फार्मासिस्ट है तो सब वही संभालते हैं, मुझे कभी जाने का काम नहीं पड़ा जी। आपने अपनी रुचि हमेशा गायन में रखी? बिल्कुल। और आपके भाई साहब ने कभी कोशिश नहीं करी गाने? नहीं 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 नहीं, शौक नहीं था या? नहीं, शौक था, लेकिन पिताजी के साथ में बचपन से मैं रह रहा था तो मैं इस लाइन में घुस गया जी, और वो मेडिकल लाइन में थे तो वो मेडिकल लाइन में सेटल हो गए जी। सर, अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या फार्मासिस्ट होते? शायद भगवान को मंजूर था, मेरे माता पिता की इच्छा थी मैं सिंगर बनूं, उनका आशीर्वाद मिला और आज मैं लोगों के बीच में गा रहा हूं उनके आशीर्वाद से, और जितने भी मेरे चाहने वाले उनके प्रेम और दुआओं के आशीर्वाद की बदौलत आज इस फील्ड में हूं। अगर नहीं होता तो मेडिकल लाइन तो थी ही बेटर जी। और अगर आप, वो आपने स्टडी किया था, वो आपको करनी ही थी, आपका इंटरेस्ट क्या था? सिंगिंग ही था? नहीं, बचपन से जब पिताजी के साथ में रह रहा था मैं, पहले तो मैंने 3 साल तक तो बॉम्बे में मॉडलिंग का कोर्स किया था जी। मैं 3 साल तक बॉम्बे रहा, तब पिताजी की इच्छा हो गई कि नहीं अब तू जोधपुर आ जा। फिर जोधपुर आने के बाद मैं पिताजी के साथ में रहने लग गया जी। फिर लोगों की इच्छा रहती है कि नहीं रामनिवास जी आपका लड़का साथ में है तो इसको गवाओ, एक दो गाते हुए इस फील्ड में पूरा पक्का परमानेंट हो गया। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। हम सभी ने आपकी गायकी सुनी है, बहुत उम्दा गायक हैं आप। आपने कभी हिंदी में ट्राई नहीं किया? सभी का होता है कि अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मैं और एक स्टेप आगे जाके कुछ करूँ, लेकिन मेरे तो जीवन का वो सपना ही वही हो गया कि भाई जितना हो सके पिताजी के भजनों को मैं तवज्जो दूँ। और मेरे पिताजी ने शुरू से ही राजस्थानी भजनों में ही, राजस्थानी चाहे लोक कथाएँ हैं, चाहे राजस्थानी लोक देवताओं की वार्ताएँ हैं, तो मैं उनकी शैली को ही वो पकड़ के बैठ गया। और मैं मेरे जिस काम से जो मुझे आत्मसंतुष्टि हुई तो मैंने बेटर समझा कि नहीं मैं यहाँ तक खुश हूँ, तो फिर आगे की सोची नहीं कभी। ये जाहिर सी बात है, आपके पिताजी ने आपको बहुत सपोर्ट किया होगा, पर क्या बाहर के लोगों से, रिश्तेदारों से कभी आपको कुछ ऐसे मानसिक तनाव या परेशानियाँ या एक बोलते हैं कि पीछे खींचने वाली जो चीज़ होती है, वो महसूस करी कभी आपने? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, चाहे मोहल्ले वाले हो, चाहे मेरे समाज के हो, चाहे मेरे पिताजी के जितने भी भक्त हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो और चाहे मेरे फैन फॉलोइंग समझ लो, सबका मुझे आशीर्वाद ही मिला। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे संगीत लाइन में कभी किसी की वजह से मुझे कोई रुकावट आ रही है जी। तो मुझे तो जैसे जैसे वो जोश दुला रहे थे और मैं रूसी में रुचि लेके चल रहा था, और धीरे धीरे आज भगवान की दया से सब कुछ एडजस्ट हो। सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने ये बताया कि आपने मॉडलिंग का कोर्स किया है, तो वो एक क्रिएटिव माइंड की पहचान होती है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड अपने खुद के बारे में सोचने लग जाता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ये। और आप समझ गए होंगे कि सीधा स्ट्रेट हम आपके फैमिली बैकग्राउंड पे आएंगे फिर दोबारा से। आपने कभी ये सोचा है कि जिनसे मेरी शादी होगी वो कैसी होगी? आपकी लव मैरिज है या सबसे पहले स्ट्रेट सवाल यही रहेगा या अरेंज? सबसे तो पहले अपन राजस्थानी लोग हैं और मैं तो लगभग 7 या 8 साल का रहा
उस समय मेरी शादी हो गई। अच्छा, आपका बाल विवाह? बाल विवाह। तो शादी होने के बाद में तो फिर वो बाकी के सपने तो कुछ थे ही नहीं जी। फिर मॉडलिंग करने गया, फिर परिवार वाले बोलने लगे कि वो तो मॉडलिंग कर रहा है, वहीं पर सेटल हो जाएगा, वो वहीं पर शादी कर लेगा। तो फिर पिताजी ने वापस बुला लिया जी। बुलाने के बाद में उनके साथ रहा, उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी वो मैंने ग्रहण की, और उसी शिक्षा की बदौलत आज मेरा परिवार और मेरे जो भी मेरे पिताजी के भक्त हैं, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, सब उन्हीं के लिए जी रहा हूँ बस। और मेरा तो कुछ थीम है ही नहीं अब। फिर भी एक सवाल ये रहेगा कि आज आप सिंगर बन के ज़्यादा खुश हैं या मॉडल बन जाते अच्छे लेवल पे तो ज़्यादा खुश होते हैं? नहीं, मॉडलिंग का तो कुछ नहीं था, वो एक वो उम्र के हर पड़ाव में इंसान को वो शौक रहता है जी जी। लेकिन अब धीरे धीरे पिताजी के जाने के बाद में लोगों की जो भावनाएं, जो सहानुभूति मेरे साथ जुड़ी, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ। और अब तो मेरे सपने कुछ है ही नहीं, जो मेरे बाबूजी के भक्त हैं उन्हीं के सपनों को लेकर मैं जी रहा हूँ। हमने आपके बारे में एक दो कॉन्ट्रोवर्सी सुनी है, उड़ती उड़ती छोटी सी इंडस्ट्री है, आ ही जाती है, कि आप अपने फैन से पहले इतने अटैच्ड नहीं थे, और कहीं किसी आपके फैन ने ये मार्केट में ये बात फैलाई थी कि गजेंद्र जी जो है अपने फैन की फीलिंग नहीं समझ सकते, तो क्या तो वो कथावाचक बनेंगे और क्या वो अपने पिताजी की तरह अच्छे सिंगर बनेंगे, क्यों ये सब किस लिए? अब जितने भी मेरे फैन फॉलोइंग है, अब सबको पता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, जो मेरे से जुड़े हुए उनको पता है मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, और जो मेरे से नहीं जुड़े हुए वो तरह तरह की बात कर सकते हैं। और मेरी एज कम है अभी तक, और मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है जी, क्योंकि चाहे आज छोटे से छोटा भजनी है ना, उनकी तुलना किसी से नहीं होती है जी। और मैं आज कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी तुलना सीधी मेरे पिताजी से होती है जी। तो ये मेरे ऊपर एक्स्ट्रा वो हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बाबूजी के भक्तों को भी संभालना मेरी ड्यूटी है, मेरा परिवार संभालना, मेरे समाज के बंधुओं को संभालना, और जितने भी मेरे फ्रेंड है, जो भी मेरे पिताजी के भक्त रहे हैं, और मेरी तो फैन फॉलोइंग कुछ है भी नहीं, जो पिताजी की फैन फॉलोइंग है वही मेरा आशीर्वाद है। अब मैं काफ़ी लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ मेरी भी वो प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा वो रहना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों की शिकायत है, कोशिश करूँगा उन शिकायतों को दूर करने की जी। बहुत खूब। एक और आपके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी हमने सुनी है कि गजेंद्र राव जी सिर्फ अपने पिताजी को कॉपी करते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, उनकी अपनी कोई शैली नहीं है, और जो रामनिवास जी ने कमाया वो रॉयल्टी गजेंद्र जी खा रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी हम कह सकते हैं, इसके बारे में आपका नज़रिया क्या है? क्या कहाँ तक ये बात सच है या नहीं है? अब ये तो मेरे बाबूजी के भक्तों को पूछ रहा हूँ कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं मेरे पिताजी का गाया हुआ गा रहा हूँ या उनकी रॉयल्टी, तो अब ये तो मुझे मेरे जो बाबूजी के भक्त है वो बताएंगे कि ये मेरा सौभाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं उनकी चीज़ें गा रहा हूँ। एक बेटे के लिए बाप की विरासत से ज़्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं है। भजनी राजस्थान में खूब हुए, बहुत अच्छे अच्छे मेरे पिताजी के साथ में भी अलग अलग भजनी हुए, लेकिन उनकी संतान को वो सौभाग्य नहीं मिला जो मेरे पिताजी की बदौलत मुझे। अब मेरे पिताजी के नाम की रॉयल्टी राजस्थान के सभी कलाकार खा रहे हैं, ये सभी कलाकारों को पता है कि सब कलाकारों को रामनिवास जी ने कुछ ना कुछ दिया ही। राजस्थान में भजनों के जन्मदाता की उपाधि मिली तो मेरे पिताजी को मिली। अब राजस्थान में ये जो आज बड़े से बड़ा कलाकार जो बड़े मंच पर बैठता है, ये मंच बनाने की शुरुआत मेरे पिताजी ने की, जागरण की फीस स्टार्ट मेरे पिताजी ने की, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आरती का सिस्टम मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया, प्रोग्राम में बड़े बड़े प्रोग्राम में साउंड लगाना मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया। अगर उनकी रॉयल्टी अब मैं खा रहा हूँ तो उनकी रॉयल्टी तो राजस्थान के सभी कलाकार खा रहे हैं, मेरे पिताजी के सभी शिष्य खा रहे हैं, तो मैं तो उनकी संतान हूँ, तो मेरा तो हक जी। वो तो है, पर कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता आपकी इस बात में ये मैं चाहता ही नहीं हूँ। एक मैं दुनिया का मैं अकेला इंसान हूँ
जो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ भी नया नहीं करूं, मैं कुछ भी नया नहीं करूं, मेरे जो पिताजी ने किया है ना मैं उसको पूरा कर लूं तो भी मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। पर रामनिवास जी के बेटे से लेकर गजेंद्र राव बनने का जो सफर है वो आपने तय ही नहीं किया, आप ये स्वीकारते हैं, आप हमेशा आप रामनिवास जी के बेटे ही रहेंगे? मुझे आज लोग दुनिया जैसे भी जानती है ना, कोई भी अगर दो आदमी भी मुझे पहचानते ना तो मेरे नाम से नहीं पहचानते, मुझे रामनिवास जी के लड़के के नाम से ही जी। मैं भी ये चाहता हूँ दुनिया कभी ये नहीं कहे कि गजेंद्र के पिताजी रामनिवास जी थे जी। मेरी पहचान है कि रामनिवास जी का लड़का गजेंद्र राव है, तो मुझे आज चार आदमी जानते तो उनके नाम के पीछे जानते हैं, तो फिर मैं नया क्या करूं, मेरी क्या औकात है? नहीं, हम सिंगिंग सेक्टर की बात करें, जाहिर सी बात है आज अगर टीना भी है तो अपने पिताजी के नाम से जानी जाएगी, वो एक अलग चीज़ हो गई। सर हम बात कर रहे हैं ये जो स्थिति है, जो विवाद की जो स्थिति है कि उन्होंने एक सिंगर होने के नाते रामनिवास जी के बेटे से ऊपर उठकर कभी गजेंद्र राव बनने की कोशिश नहीं करी, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी कोशिश की भी नहीं और कोशिश करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरी जितनी सोचना वहाँ तक ही मुझे जीना है। मेरे पिताजी एक समुद्र थे और मैं एक कप के अंदर आता इतना पानी ही हूं, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं उनकी मैं कहां तक ओढ़ करूंगा। मैं तो बस के जितने मेरे पिताजी के भक्त हैं, जितने भी रामनिवास जी राव को चाहने वाले हैं, मैं उनको खुश कर सकूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एक और आपके लिए सवाल है, आपने जहां तक हमें पता है आपने एक वीडियो एल्बम किया था माता पिता भगवान है, उस वीडियो एल्बम के बाद में आपका कभी कोई वीडियो एल्बम नहीं आया, तो आपने खुद ने नहीं किया या दोबारा आपके पास में कभी कोई ऑफर नहीं आया या करना नहीं चाहते थे? ये टीना जी मेरा एक उस समय मेरा गोल्डन चांस था और ये मेरा सौभाग्य है। एक तो बताऊं कि राजस्थान में मैं एकमात्र ऐसा कलाकार हूं जिसका कोई मार्केट में कोई भी एल्बम नहीं है, आज तक मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, आज तक मैंने कुछ भी नहीं गाया, जो गाया है मैंने लाइव कार्यक्रम ही। एक पिताजी के समय था जब एक एल्बम आया था माता पिता भगवान, और उसके एक डेढ़ साल बाद में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो फिर मुझे गाने की कोई इच्छा हुई नहीं, क्योंकि वो एल्बम यादगार थी मेरी, क्योंकि उस एल्बम में मैं भी था, मेरी माता भी थी, मेरे पिता भी थे, तो बस माता पिता जिस एल्बम में मेरे साथ में थे। अब मैं कोई एल्बम करूं मैं अकेला करूं तो मेरी कोई इच्छा होती नहीं है, और ये मेरा उस समय बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वो जिस समय हाजिर थे, उपस्थित थे, उस समय मैंने पहला एल्बम किया और पहला एल्बम ही मेरा माता पिता भगवान के नाम से लॉन्च हुआ, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं था। और बाकी काफ़ी कंपनियों ने मुझे बोला कि राव साहब आपकी डिमांड आ रही है, आप गाओ, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि अब क्यों गाऊं मैं, क्या गाऊं, मैं पुराने भजन पिताजी वाले गाने वाला हूं, और आजकल तो गाने के लायक कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि डीजे पैटर्न ऐसा आ गया है कि राजस्थानी संस्कृति खत्म हो रही है, और उस संस्कृति में अगर मैं डीजे पैटर्न में घुस जाऊं जी जी तो मेरे बाबूजी के जितने भी भक्त है वो मुझे जी बहुत बड़ा बोलेंगे। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है, किस्मत की बात है, और वही आशीर्वाद और वही सर पे हाथ अगर हमारे प्रोफेशन में भी हो तो उससे भी ज़्यादा खुशनसीबी होती है। तो माफ़ी चाहेंगे इस सवाल के लिए, लेकिन रामनिवास जी के देहांत के बाद में क्या आपको अपने फील्ड में परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब मैं कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि इन्होंने विवादित बात की है। नहीं नहीं, आप देखिए ये मन की बात है, आपको लगता है आप तो बताइए। सबसे बड़ी बात के मेरे पिताजी के जाने के बाद में मुझे कलाकार जितने भी जो मेरे परिवार के सदस्य, कलाकारों का भी हमारा एक परिवार है, ये हमारी फैमिली है, काफी कलाकार थे जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, और टीना जी मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहा कि जो भी ये राजस्थान की जनता है, हम कहते हैं कि हमें दुनिया में पहचानते हैं, हमें पूरे भारतवर्ष में, हम कार्यक्रम करते हैं, हमें पूरे भारतवर्ष में पहचानते हैं, मैं ये जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं उनको भी कहता हूं कि ये गलतफहमी हम लोगों को दिमाग से निकाल लिया, हमें भारतवर्ष में कोई नहीं पहचानता है,
हमें ओनली फॉर मारवाड़ पट्टी, राजस्थान भी नहीं। राजस्थान का कोई कलाकार नहीं है जिसको पूरा राजस्थान पहचानता है। अब जितने भी कलाकार कहते हैं कि हमारा पूरा भारत में नाम है, ये उनकी बेवकूफी है। आज हमें सिर्फ पाली जिला, जोधपुर जिला, नागौर जिला, जालौर जिला, बाड़मेर जिला, सिरोही जिला, इससे आगे हम लोगों को कोई नहीं पहचानता है। अब राजस्थान में कोटा भी आता है, राजस्थान में बांसवाड़ा भी आता है, राजस्थान में बूंदी भी आती है, राजस्थान में झुंझुनू भी आता है। वहां पर किसी को जाकर पूछो कि राजस्थान के अगर मारवाड़ के कोई कलाकार का वो नाम बता सकते हैं क्या? एक भी कलाकार का वो नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग मारवाड़ पट्टी तक ही सीमित है। और कलाकार कहते हैं कि हमें पूरे भारत पहचानता है, तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है जी। तो इसमें जो सवाल था, एक्चुअली शायद ये जवाब अधूरा था या हमारी समझ में नहीं आया, शायद दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा कि मैं सबसे बड़ी बात जी कि मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट के मेरे जितने भी मेरे पिताजी के देहांत के बाद में मुझे राजस्थान की जितनी भी जनता है उनकी सहानुभूति मेरे साथ में जुड़ी जी। और सेकंड, मेरे परिवार और मेरे राव समाज का मेरे साथ में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा जी। थर्ड के जितने भी मेरा ये कलाकार लाइन का मेरा परिवार है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कलाकारों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कलाकारों का खूब मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, खूब मुझे सपोर्ट दिया। जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर भी मेरा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट यही है कि मेरे राजस्थान के जितने भी कलाकार गजेंद्र राव को जितना प्यार करती है, शायद किसी लोगों को वो दे पाएगी जी। बहुत खूबसूरत सर। कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना है कि आप जागरण तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आप शादी मैरिज फंक्शन में भी सिंगिंग करते हैं, तो क्या बाबूजी के भक्तों को ये अच्छा लगेगा जो हमने सुना है या सुनने में आया है? मैं, मेरे जितने भी बाबूजी के भक्त हैं, जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं, जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, एक तो टीना जी, मैं शादी फंक्शन में भी बहुत कम भाग लेता हूँ। और रही बात के लोग कहते हैं कि शादी के फंक्शन में गजेंद्र राव गाता है, तो सबको पता होगा और नहीं पता है उनको भी मैं क्लियर कर दूं कि मैंने आज तक कोई भी शादी के फंक्शन पर माइक हाथ में नहीं लिया है जी। मान लो मेरे परिवार का या मेरे दोस्तों के यहाँ अगर मैं किसी शादी में गया हूँ, वहाँ पर भी ऑर्केस्ट्रा चल रही है, तो भी मैंने कभी मंच पर पैर नहीं रखा है। कभी मैंने किसी स्टेज पर भजन संध्या के अलावा किसी भी मंच पर मैंने आज तक कुछ भी नहीं गाया है। ना ही मैंने कोई फिल्मी गीत गाया, ना कोई मैंने राजस्थानी गीत गाया, ना कोई मैंने आज तक बन्ना बनी गाया, मैंने कुछ भी नहीं गाया। मैंने आज तक जो गाया है, जो मेरे पिताजी ने गाया है, वो ही आज तक मैंने गाया है। मैंने आज तक कभी कोई शादी ब्याह की कोई भी पार्टी में नहीं गाया जी। खैर, इंडस्ट्री है, बहुत सारी अफवाहें आती रहती है सर। एक हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो राजस्थानी भजन आप गाते हैं, ये गायकी के अलावा आप और कौन कौन से तरीके की गायकी का शौक या रुचि रखते हैं? एक तो जितने भी जागरण होते, जागरण तो मैं करता ही हूँ, और उसके बाद में मेरा कथाओं का ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने कथाएं जो प्रारंभ की है, तो मैं बाहर बेंगलोर हो चाहे राजस्थान में हो, कथा करता हूँ मैं 5-5 दिन की 6-6 दिन की, चाहे नैनीबाई का मायरा हो, चाहे राजा भरतरी हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा मोरध्वज हो, चाहे माँ की ममता हो, चाहे शरण कुमार हो, कुछ भी हो, कथा करने का मुझे ज़्यादा शौक है। जागरण से ज़्यादा मुझे शौक कथा का है। बहुत खूब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके पिताजी ने भी बहुत सारे भजन गाए हैं, आपने भी उनके काफ़ी सारे भजनों को फॉलो किया है, आपका अपना ऐसा कोई भजन है जो आपके पिताजी ने गाया हो और आपको बहुत पसंद हो, जो आप कभी भी सुनना पसंद करते हैं? एक तो अब पिताजी के गाया हुआ बेटों को तो अच्छा लगता ही है जी। और उससे भी बड़ी बात कि मैं खुद भजन गायक हूँ जी, तो मुझे तो उनके गाए हुए एक एक भजन, और मेरी लगन इतनी थी पिताजी के साथ में भजनों में कि अगर वो कोई भी मंच पर कुछ भी नई बात बोल देते, वो भी मेरे माइंड में बैठ जाती जी। कोई भी उन्होंने कोई भी चीज गाई हो, वो मैंने पकड़ के रखी। सबसे अगर पसंदीदा बात करूं तो हर जागरण में मैं चाहे बाला चुंदड़ी भी गाता हूं,
राजा भरतरी भी गाता हूँ, राजा मोरध्वज भी गाता हूँ, माँ की ममता भी गाता हूँ, शरण कुमार भी गाता हूँ, आजकल फैशन भी गाता हूँ, और मुझे ये सब बहुत प्रिय है जी। इनमें से कोई भी एक रचना आप गा के सुनाना चाहें सर? जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, और जो पिछली मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में मैंने गाया था और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया था, और अपने पीआरजी द्वारा उसको लाइव भी देखा गया सभी लोगों, लाखों लोगों द्वारा, और हर जागरण में जो मेरे पास में सबसे ज़्यादा डिमांड आती है बाला चुंदड़ी की आती है ज़्यादातर, जिसमें राधा जी और कृष्ण भगवान का संवाद रहता है। तो मेरे जितने भी बाबू जी के भक्त है सभी के लिए दो पंक्ति सुना रहा हूं। हो सावण महीनो ए राधा आवियो, हो भरिया समद तराब, अरे सात सहेलिया रे झूले रे, आराधा पानी डाने जायो, अलगो भरो ये राधा बेवीरो, मुसले आवे थारी वास, मैं तो रे कही जा हररी दासिया, थे भले कृष्ण जीरी नार, अरे मारे रे ओढ़ने ने बाला चूंदरी। ये मेरे पिताजी का बहुत पुराना, लगभग आज से 35-36 साल पहले उन्होंने गाया था, जो आज मैं लोगों के बीच में जीवित रखने का प्रयास करता हूँ हर जागरण में, हर मंच पे। जी बहुत खूब सर। हमें से कई ऐसे नए कलाकार हैं जो शायद आपके पिताजी के बारे में इतना जानते नहीं या मौका नहीं मिला जानने का, तो एक छोटा सा परिचय आपके पिताजी का हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे। अगर मेरे पिताजी का परिचय दूँ तो ये आजकल के जितने भी भजन गायक बंधु कलाकार गा रहे हैं उनके लिए अगर रोल मॉडल कोई है तो वो मेरे पिताजी से जरूर शिक्षा ले। मेरे पिताजी का जन्म, मेरा गांव है यहाँ जोधपुर से नागौर जाते हैं तो खेड़ापा के पास में आता है लवेरा बावड़ी, छोटा लवेरा मेरा गांव है जी। मेरे दादाजी का नाम मांगीलाल जी राव था, तो मेरे पिताजी के मतलब 6 या 7 साल की आयु रही तब मेरे दादी जी का स्वर्गवास हो गया जी। पर डे लवेरा से बावड़ी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पढ़ने के लिए जाते हैं, पर डे 12 किलोमीटर जाना और पर डे 12 किलोमीटर मतलब रोज का 24 किलोमीटर का तो उनका आना जाना पैदल, उस समय साधन अच्छा क्योंकि वो गरीबी में, तो वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे जी। उसके बाद में वो गंगानगर गए, तो गंगानगर फिल्म सिनेमा थी वहाँ पर वो टिकट बेचते थे, और मेरे पिताजी वहाँ पर एक मूंगफली का ठेला भी लगाते थे जी। उसके बाद में वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा चलती थी जो गजल गायकी के बेताज बादशाह हुए थे जगजीत सिंह जी, जगजीत सिंह जी चित्रा सिंह जी की गंगानगर में ऑर्केस्ट्रा चलती थी, तो मेरे पिताजी वहाँ पर वेटर थे जी। तो उनको देख देख कर मेरे पिताजी ने संगीत सीखा, और रही बात कथाओं की और यादी की तो राव समाज को जन्मजात से वरदान है, राव समाज की यादी तो रहेगी, चाहे राव हो चाहे चारण हो, इनको ये शक्ति पुत्र है, इनको जन्मजात वरदान रहता है। तो मेरे दादाजी से मेरे पिताजी ने सीखा, संगीत क्षेत्र में जगजीत सिंह को अपना गुरु माना उन्होंने, वहाँ पर सीखा। फिर गंगानगर में एक भजन मंडली बनाई, उनका नाम, उसका नाम रखा था राधा कृष्ण भजन मंडली। उसके बाद में एक समय ऐसा आया तब मेरे पिताजी जोधपुर आ गए, उस समय जोधपुर में बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गायक थे। अब राजस्थानी अगर लोक भजनों में बोलो तो राजस्थान के दिलीप कुमार की उपाधि काड़ूराम जी प्रजापत को मिली, उस समय मोहनदास जी निमारक थे, तुलसीराम जी सोनी थे, रामनारायण जी चेतन थे, बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गायक उस समय थे। लेकिन उस समय टीना जी क्या था कि वो ज़्यादातर राजस्थान में मैटर चलता था बाबा रामदेव जी का, बाबा का ब्यावला हो, चाहे बाबा रामदेव जी की जन्म कथा हो, चाहे भैरवे राक्षस वध कथा हो, चाहे बाबा रामदेव जी की समाधि की कथा, तो लगभग ज्यादातर टॉपिक बाबा रामदेव जी का चलता। उस समय मेरे पिताजी जोधपुर आए और मेरे पिताजी ने बाबा रामदेव जी से हटकर, बाबा रामदेव जी के तो सारे गाए, बाबा रामदेव जी से हटकर चाहे कृष्ण मणियारा हो, चाहे बाला चौंदड़ी हो, चाहे राजा भरतरी हो, चाहे राजा मोरध हो,
उस समय लोगों में इतनी जागृति पैदा हो गई कि यार इतने इतने राजस्थानी लोक देवी देवताओं की, राजस्थान के ऐसे सूरवीरों की गाथा है। सन 72 में उस समय कैसेट उद्योग तो था ही नहीं, उस समय वो चूड़ी बाजा चलता था, एलपी रिकॉर्ड। 72 में वो एलपी रिकॉर्ड आई थी मेरे पिताजी की, उसका नाम था नैनी बाई का भात। और 74-75 के लगभग जब ये कैसेट उद्योग आया था, उस समय राजा भरतरी, राजा मोरदज, कृष्ण मणियारा, और बाद में तो यूकी कैसेट आ गई। यूकी कैसेट में तो 100 एल्बम कंटिन्यू किए थे मेरे पिताजी ने, जो राजस्थान में घर घर में इतने वो एल्बम बजे थे, इतने वो एल्बम बजे थे कि मतलब राजस्थान में एक नाम हो गया था कि भजन गायक है तो राम निवास राव, राम निवास राव, राम निवास राव, बच्चे बच्चे के मुंह पर। तब मेरे पिताजी ने सोचा यार अब जागरण भी हम लोग कर रहे हैं, अब अच्छा खासा हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अब रात भर भजन गायन, सुबह बीड़ी भी लोगों से मांग कर पीनी। उस समय राजस्थान में भजनों में ये पेमेंट फीस चालू की कि भाई हम लोग रात भर भजन गाते हैं, सुबह हम कोई काम धंधा कर नहीं सकते तो फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ फीस दो। 51 रुपये से जागरण की शुरुआत मेरे पिताजी ने, 51 से 101, 501, 1000, 10000, उस समय जितने बाकी के कलाकारों को 100 रुपए मिलते थे, उस समय मेरे पिताजी की फीस थी 21000 रुपए। अच्छा। राजस्थान की जनता देखने आती थी मेरे पिताजी को कि रामनिवास राव करके ऐसा कलाकार है जो भजनों के पैसे लेता है। अब पैसे नहीं ले तो भी गड़बड़, क्योंकि उस समय 300 दिन अलग अलग जगह कार्यक्रम। और टीना जी अब तो जागरण में कहां पब्लिक आती है यार, पब्लिक तो उस समय आती थी हर कार्यक्रम में 20-20 हजार, 25-25 हजार, और इतने इतने बड़े साउंड भी नहीं थे। जिन्हें अपने मारवाड़ी भाषा में कहा एक भूंगड़ो और एक 35 वाट की मशीन, उस पर ही रात भर जागरण होता था। और धीरे धीरे कथाओं को, मेरे पिताजी का एक ही सपना था बेटा कि राजस्थान में हर इंसान के घर में, हर आदमी के घर में भजनों की कैसेट बजे। अब वो जरूर नहीं है रामनिवास राव की हो, किसी भी कलाकार की हो, लेकिन राजस्थान के हर घर में भजनों की ही कैसेट। और वो सपना उनका पूरा हुआ, आज चाहे किसी भी कलाकार की कैसेट हर घर में मिलती है, लेकिन भजनों की कैसेट हर आदमी के घर में मिलती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अभी आपके पिताजी से लेकर आप तक और आपके आसपास और आपके बाद कई सारे सिंगर्स आए, बहुत बहुत सारे नए सिंगर्स आए जिन्होंने न केवल भजन गाए, लोक गायकी भी की और अपना खुद का अपना एक ट्रेन चलाया। जो ये परिवर्तन हुआ है राजस्थानी इंडस्ट्री में, इसके बारे में और इन नए कलाकारों के बारे में, आप नए सिंगर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो कुछ परिवर्तन अच्छा भी हुआ है, लेकिन अच्छे से ज्यादा परिवर्तन बुरा हो गया। जी कैसे हम जानना चाहेंगे? अब आजकल के जितने भी भजन गायक बंधु है, गा रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा परिवार है जी। लेकिन मैं रामनिवास राव का लड़का हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं राव समाज से बिलोंग करता हूँ, तो राव जाति का कोई भी बंदा होगा वो सत्य ही बोलेगा जी। आजकल के जितने भी कलाकार गा रहे हैं ना, अब कोई एक जाति को लेकर बैठा है कि मैं एक जाति में ही गाऊं। अब हम कलाकार लोग जातिवाद बढ़ा रहे जी, हम भजनों में जागरणों में जातिवाद बढ़ा रहे, और ये हम कलाकारों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। एक आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि कलाकारों की कोई इज्जत नहीं रहेगी। आज भी मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो कलाकारों की इज्जत अब कम होने लग गई है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। अब जितने भी राजस्थान के कलाकार गा रहे हैं, अब धीरे धीरे सबका नंबर आने वाला है जी। अब सोशल मीडिया का जमाना है जी। संतों में भी पहले आसाराम जी बापू का नंबर लगा, संत रामपाल जी का नंबर लग गया, अभी कुछ समय पहले राम रहीम का नंबर लग गया। आजकल के जितने भी ये कलाकार गा रहे हैं ना, उनमें मैं भी शामिल हूं। अब देख लेना कि धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि कलाकारों की दुर्गति होनी है। अब हम लोग भजनी है, हम लोगों की छवि कैसे बनाती है कि हम लोगों की एक संत की छवि। आज बड़े से बड़े संत हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं, भजन गायक भी धर्म का
प्रचार ही करते हैं, लेकिन हम वो छवि बना नहीं पाते हैं। अब वो छवि क्यों नहीं बना पाते हैं, वो गलती हम लोगों की है, क्योंकि जितने भी कलाकार हैं सब आपस में जलते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करनी जी। कुछ डंके हैं तो वो बड़े वाला छोटे से गुस्सा है, छोटे वाला बड़े से गुस्सा है। अब कलाकारों को ये समझना चाहिए कि मेरे कर्म वो छीन नहीं सकते, उनके कर्म में छीन नहीं सकते। ये बात अगर सब कलाकार सोच ले जी। तो एक आप पूरे भारतवर्ष में देखो, भजन संध्या हर जगह होती है जी। हर समाज में, हर स्टेट की अलग अलग होती है जी। किसी राज्य में जितने कलाकार झगड़ा नहीं करते हैं ना, सबसे ज्यादा कलाकार झगड़ा हमारे राजस्थान में करते हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। अब कोई कहते हैं मैं भजन सम्राट हूं जी। कोई राष्ट्रवादी लगाते हैं, कोई हिंदवा शेरणी लगाते हैं, कोई कैसी छावल, कोई कैसा कैसा ही लगाते हैं। उनको बोलते हैं कि नहीं आप हो, कि नहीं हमारे फैन लगाते हैं जी। वो सीधा फैन पर बोल देते हैं कि हमारी, ये तो हमारे फैन फॉलोइंग है, वो भजन सम्राट लगाते हैं वो। अरे साहब, फैन फॉलोइंग भजन सम्राट लगा दे, राष्ट्रवादी लगा दे, कुछ भी लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको जब माइक में आपका नाम हो के भजन सम्राट गजेंद्र राव, तो गजेंद्र राव को माइक में बोलना चाहिए, साहब मैं भजन सम्राट नहीं हूं, भजन सम्राट राजस्थान में जो पुराने थे वो हो गए। आजकल के जितने भी भजनी है 20 25 30 भजन अदे, इससे जाता ये जानते भी नहीं है। अब जो 30 भजन गा रहा है वो भजन सम्राट कैसे हो गया जी। ज्यादा से ज्यादा 50 भजन गा लो आप, 50 भजन गाने वाला भजन सम्राट होता है क्या? अगर 50 भजन गाने वाला भजन सम्राट हो जाएगा, उस दिन गली गली में भजन सम्राट पैदा हो जाएंगे जी। आपकी बात काट के बीच में कुछ पूछना चाहेंगे। जैसे हम कर रहे हैं, हम खुद भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक खुद को ये जो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि गायक, भजन गायक और भजन सम्राट, गायक और राष्ट्रवादी गायक, इसके बारे में एक बार टिप्पणी। कुछ दर्शक भी है हमारे, शायद उन्हें भी ये समझ में नहीं आया होगा कि लोग क्यों इस तरीके से राष्ट्रवादी या भजन गायक, भजन सम्राट जो भी है। मेरे नजरों में अगर राजस्थान में अगर कोई राष्ट्रवादी सिंगर है जी। वो एक ही सिंगर है जिनको बच्चा बच्चा पहचानता है, वो है काड़ूराम जी प्रजापत और ये रियल बात है। मैंने तो, मेरा तो जन्म ही नहीं था साहब, मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा कि जब 62 की जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय वो बॉर्डर पर जाकर हमारे फौजियों के लिए गाकर आए, उनको राष्ट्रवादी मैं कहूंगा। आजकल के कलाकारों को मैं राष्ट्रवादी नहीं कहूंगा। अगर मैं 4 भजन अगर देशभक्ति गा दूं तो क्या मैं राष्ट्रवादी हो गया? या मान लो मैं देशभक्ति रचना गा रहा हूं जी। मैं राष्ट्रवादी हो गया, बाकी के कलाकार भजन गा रहे हैं तो वो क्या आतंकवादी है? वो राष्ट्रवादी नहीं है क्या जी। अब राष्ट्रीय के लिए, अब हमारे जितने भी देश के फौजी है वो शस्त्र उठाते हैं और हम लोग पब्लिक में जागृति पैदा करते हैं जी। राष्ट्रवादी सभी है, कोई नहीं है कि राष्ट्रवादी, किसी एक कलाकार को राष्ट्रवादी बोलना ये गलत है और कोई कलाकार बोले अपने आप को भी कि नहीं मैं राष्ट्रवादी हूं, ये उसकी मूर्खता है। कोई हाथ में भाला उठाता है और संत लोग हैं जो हाथ में माला उठाते हैं, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि एक समय ऐसा आएगा जब इन सभी बातों से परे उनको उठना ही पड़ेगा जी, जी। अब हाँ, मानते हैं कि उनकी हर फैन फॉलोइंग है, कोई कैसी भी उपाधि देते रहे, कोई कैसी भी, लेकिन जिस मंच पर आप हो आप तो उस बात को खंडित करो ना कि नहीं सर मैं भजन सम्राट नहीं हूं जी। मैं भजन सम्राट नहीं हूं, आज मैं 20 या 25 भजन गाता हूं, मैं सम्राट कैसे हो गया? भजन सम्राट तो तानसेन हो गया जी। आज हम अगर भजनों की बात करें तो अनूप जी जलोटा हो गए जी। अगर भजन सम्राट की अगर राजस्थान में बात करें, मेरे पिताजी को आप बोल सकते हो भजन सम्राट, क्योंकि उन्होंने 36 कौम के संतों की वार्ताएं गाई है जी। आज हम लोग मोहनदास जी निंबर को भजन सम्राट बोल सकते हैं, पेमाराम जी जाट को हम भजन सम्राट बोल सकते हैं, रफीक सागर साहब को हम बोल सकते हैं, मोहनदास जी निम्बारक हो गए, काड़ूराम जी प्रजापत हो गए, जो पुराने पुराने भजन गायक है इनको बोल सकते हैं। आजकल के हम लोग गा रहे हैं अब भजन सम्राट लगाना, और अब तो टीना जी भजन सम्राट तो बहुत छोटी उपाधि हो गई, अब तो लोगों को भजन सम्राट बोले वो भी एक बार शर्म करे कि यार भजन सम्राट तो हमारी बहुत छोटी उपाधि है।
अब ये हम लोगों कलाकारों का दुर्भाग्य है, और धीरे धीरे सबका नंबर लगना है जी। धीरे धीरे काफी संतों का नंबर लग रहा है अभी सोशल मीडिया में, आप लोग देख रहे हैं जी। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब कलाकारों का भी, सभी कलाकारों को निवेदन है कि कुछ प्रेम भाव से रहना सीख जाओ जी। और कुछ आत्मा में प्रेम रखो। आप अगर मैं करोगे तो मैं तो किसी की रावण की भी नहीं चली जी। दुनिया में हर फैन वो फॉलोइंग है आपकी, जो भी आपके चाहने वाले उनसे भी आप प्रेम करो, आप घमंड मत दिखाओ जी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कलाकारों के लिए बहुत हानिकारक होगा जी। चलिए ये बात हो गई हमारे सिंगर्स को लेकर, जितने भी गायक कलाकार हैं। एक सवाल कब से मन में आ रहा है, नृत्य कलाकार हमारे राजस्थान में, डांसर्स कह सकते हैं जितने भी, आजकल भजनों में भी, भजन संध्या शायद पता नहीं नाम की रह गई, और उनमें भी डांसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। शायद कभी आपको भी ऐसा हुआ होगा कि पार्टी ने बोला कि नहीं आपको तो डांसर बोल लानी पड़ेगी। तो दो ट्रेंड चल रहे हैं राजस्थान में हमारे यहाँ पे डांस करने के, हम भी देख रहे हैं, दो ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी एक घूमर पैटर्न का कह दीजिए, एक भीलवाड़ी पैटर्न का। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इन इन जो राजस्थान इंडस्ट्री को डांस ने जो दो भागों में बांट दिया है उनके बारे में? सब अपने पापी पेट है, सब कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा शिकायतें मेरी रहती है, जितने भी नृत्य कलाकार हैं सबसे ज्यादा मेरे से ही नाराज रहते हैं, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र कलाकार मैं हूं जो लड़कियां नहीं नचवाता हूं, और बाकी भी काफी लोग होंगे जिन्होंने अब धीरे धीरे बंद कर दिया। नचवाई मैंने भी है, ऐसा नहीं, मैं टीना जी गलत नहीं बोलता हूं कि मैंने कभी डांस नहीं करवाया, करवाया है, लेकिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद में मैंने पहला कार्यक्रम किया, उसमें भी मैंने अनाउंस किया था कि आज के बाद में मैं मेरे मंच पर नहीं नच पाऊंगा जी। क्योंकि मेरे पिताजी ने नहीं नचवाया तो अब उनकी छवि को लेकर मुझे। और अब रही डांसरों की बात, डांस कम नहीं है, हमारे शास्त्रों में 14 विद्या है, राग रसायन नृत्य गत नट विद्या वेदंग तुरी चढ़न व्याकरण पढ़न जानत ज्योतिष अंग धनुष बाण रथ हाकबो चित चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तीरण धीरज धरण 14 विद्या निदान। 14 विद्या में पहली विद्या है जो है राग, अन मद धन मद राज मद विद्या मद बेहद, जिसके पास है राग मद तो बाकी मद सब रद्द, सबसे पहली विद्या है राग। दूसरी विद्या है रसायन यानी विज्ञान, और शास्त्रों में भी तीसरी विद्या आती है नृत्य की। अब नृत्य विद्या की बात करता हूं तो विद्या तो अब राजस्थान में तो ही नहीं, काफी डांसरों के सोशल मीडिया पर मैं भी देखता हूं और राजस्थान की सभी जनता देखती है। अब मैं उनके बारे में कमेंट करूं तो बोलेंगे भाई राव जी गलत बोल रहे हैं, लेकिन नृत्य अगर कभी भी परखना हो ना तो नृत्य की शुरुआत पैरों से होती है। नृत्य की शुरुआत पैरों से होती है कि वो कौन से ताल कौन से लय में उनके पैर, और अब पैरों पर तो नृत्य रहा ही नहीं, अब नृत्य आ गया है कमर में जी। हमारे जो मारवाड़ पट्टी के नृत्य कलाकार हैं, टीना जी आप भी कार्यक्रम में करते हैं जी। आपके भी मैं भी वीडियो देखता हूं, लेकिन वो लगता है कि नहीं वास्तव में कोई घूमर हो, चाहे हमारे राजस्थान में जो हमारी बहन बेटी शादी ब्याह में अगर नृत्य करती है वो नृत्य सोबर है, लेकिन जो आजकल के वो भीलवाड़ा पैटर्न आ गया। अब ये तो राजस्थान की जनता बताएगी उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि कई लठधारी कई मठधारी खोपड़ी खोपड़ी गत न्यारी, लेकिन जो भी ये नृत्य कलाकार ये फूडपन हमारे संस्कृति में आया है, मैं सभी से निवेदन करता हूं ये हमारे लिए हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही खतरनाक है जी। हम जागरण में जाते हैं भजन गाते हैं, अनेक अनेक देवी देवताओं के भजन गाते हैं, सूरवीरों की गाथाएं गाती हैं। अब उस कार्यक्रम में हमारी बहन बेटी भी वहां सामने बैठी रहती है जी। अब जो फूर्ता का नृत्य अगर मंच पर होता है तो साहब भजनों पर ध्यान कौन देगा जी। कुसंगत बिगड़े नहीं जा रहा मोटा भाग, सत्संग में सुधरे नहीं जा रहा बड़ा भाग। जो सत्संग में बैठकर अगर संस्कार प्राप्त नहीं कर सकता है तो मृत्युलोक में दूसरी कोई जगह भी नहीं। और हम लोग अगर सत्संग में भी इतनी फूर्ता कर देंगे तो फिर हमारी बहन बेटियों में या हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे कहां से जी। बिल्कुल यही विचार जानने थे हमें एक्चुअली आपके।
आगे बढ़ते हैं, जब हम कहीं पर भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है वो गायन हो, नृत्य हो, कुछ भी, हम कहीं कहीं पर भी काम करते हैं, तो ऐसे कई लोग मिलते हैं हमें जिनसे हमारी कई सारी शिकायतें रहती हैं। तो सवाल बहुत ये निजी है, बट फिर भी जानना चाहेंगे कि क्या इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको शिकायतें हैं, कुछ भी? बिल्कुल है, बहुत सारे जी, जैसे बहुत सारे हैं, और शिकायतें तो अब जितनी करूं उतनी टीना जी कम पड़ जाएंगी मेरी। इस इंटरव्यू को बड़े और 2-4 घंटे और करना पड़ेगा कि आजकल के जितने भी भजन गायक हैं उनसे भी शिकायतें, और ये सबको, उनको भी पता है, मुझे भी पता है मेरे अंदर कितने गुण हैं, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और ये जितने भी भजन गायक हैं उनको भी पता है उनके अंदर कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। अब कोई कहते हैं कि मैं तो गौ माता का भक्त हूँ, मैं तो गौ माता को पालता हूँ, मेरे घर में गौ माता है, आप गौ माता का नाम क्यों लेते हो? साहब, सेवा कोई दिखाने का कोई ऐसा नहीं है, सेवा करते हैं तो वो आत्मा से करते हैं, कोई दिखाने की नहीं है। सेकंड बात, के जितने भी आज कल के ये भजनी हुए हैं, ये हर बात को इश्यू बनाते हैं जी। हर बात को, वो वहां गया तो वहां क्यों हो गया, ये सब वहां गए तो वहां क्यों हो गया, वो वहां गए तो वहां क्यों हो गया, कोई अगर कम पेमेंट लेता है तो वो कलाकार आजकल इतने पेमेंट लेता है, अरे तुमको क्या है? उनको चाहने वाले देते हैं। और जितने भी मेरी राजस्थान की जनता है, कलाकार पेमेंट कोई गाने बजाने के नहीं लेता है, हमारे पीछे हमारे ग्रुप के बंदे भी रहते हैं, उनका भी खर्चा होता है, और सबसे बड़ी बात कि कलाकार तो रिस्क के पैसे लेता है। आज हमारा कार्यक्रम जोधपुर में है, कल सिरोही में है, परसों बीकानेर में है, रोज सड़कों पर घूमते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं जी। अगर मान लो किसी कलाकार की डेथ हो जाए तो बाकी पीछे उसके परिवार का कौन है? कभी ऐसा हुआ क्या कि राजस्थान की जनता ने किसी कलाकार की डेथ होने के बाद में उसके परिवार की किसी ने हेल्प की, या किसी कलाकारों ने उसके परिवार की हेल्प की? कभी नहीं, कभी कभी किसी ने जाकर पूछा क्या? जी बिल्कुल। तो सजनों, ये रिस्क के पैसे है कि वो कलाकार अगर मर भी जाए तो उसका परिवार सुरक्षित रहे जी। ये पैसे तो वहां रिस्क के होते हैं साहब, कोई गाने बजाने के नहीं होते, और अगर पब्लिक देती है तो वो उनका आशीर्वाद है साहब जी। और जनता है साहब, ये जनता है, सब जानती है, कलाकार को बनाती भी जनता है और गिराती भी जनता है, तो जनता से खिलवाड़ मत करो। अब कहते हैं आजकल के ये भजनी कहते हैं कि हम क्या करें, आजकल तो पब्लिक ही ऐसी हो गई। अरे साहब, पब्लिक के पीछे आप कहां तक चलोगे? पब्लिक तो कल को बोलेगी, यार नहीं आप तो ये कुर्ते पजामे क्यों पहनते हो, कुर्ते खोलकर बनियान में गाओ। पब्लिक के पीछे कलाकार नहीं चलेगा जी। हाँ, अगर पब्लिक की डिमांड आती है 2 भजनों की, 2 भजन पब्लिक की डिमांड के सुनाओ, तो 1 भजन पब्लिक को बोलो नहीं मेरी भी पसंद का आपको सुनना ही जी, पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जब तक सिंगर के पीछे पब्लिक चलेगी तो ही कार्यक्रम अच्छा होगा। अगर लोग सोच रहे हैं नहीं आजकल तो पब्लिक के पीछे हम लोग चल रहे हैं, तो ये मूर्खता है उनकी। पब्लिक के पीछे कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, पब्लिक में आज 1,000 अगर पब्लिक बैठी है तो 1,000 के 1,000 पागल है क्या? उसमें 800 लोग नृत्य को पसंद करते होंगे, लेकिन 200 तो ऐसे होंगे जो भजनों को और वाणी शब्दा को या ज्ञान चर्चा को पसंद करते होंगे। आप प्रोग्राम कर रहे हो, पहले तो वो होता था कि यार रात भर में हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया है, अब आजकल के जागरण क्या हो गया कि रात भर में पब्लिक कितनी बजे तक बैठी रही जी। अब 2 बजे तक पब्लिक बैठ गई, वो प्रोग्राम सुपरहिट हो गया जी। अब उनके कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम की अगर रिपोर्ट लेनी है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आप रात को पब्लिक बैठने से रिपोर्ट मत लो, अगले दिन गांवों में क्या चर्चा चलती है वो रिपोर्ट आप तक पहुंचे, वो कार्यक्रम आपका अच्छा हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो सुबह गांव में बोलेंगे यार रात को क्या कलाकार गा के गए, आए डांस करवाया और पैसे लेकर वो तो चले गए, तो वो कार्यक्रम आपका अच्छा नहीं गिन सकते हो आप लोग जी। सबसे आखिर में, आपके बहुत चाहने वाले, आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे दर्शक भी देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए कोई संदेश दें। मैं जितने भी राजस्थान की जनता है, जो भी मुझे चाहती है, जो भी भजनों को चाहते हैं, मैं राजस्थान से जनता से एक ही निवेदन करता हूं कि आप भजन संध्याओं में फूड पण बंद कीजिएगा, और जितने भी आप भजनियों को बुलाए या नृत्य कलाकारों को, हाँ ये भी एक विद्या है, बुलाए, लेकिन मंच पर फोड़ता की कोई जगह नहीं है
क्योंकि भजन संध्या अगर आप करवा रहे हो तो भजन संध्या कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, इसको अपने संस्कार के हिसाब से चलने दीजिए। आप लोगों से सभी से मेरा यही निवेदन है कि भजन संध्या में फूड पण जितना हो सके उतना बंद कर दीजिएगा आप। और कोई कलाकार गाता है या नहीं गाता है, लेकिन आप डिमांड करो रात भर में कि आप हेली गाओ, फकीरी गाओ, ब्रेणी गाओ, जोगिया गाओ, सोरठ गाओ। अगर कलाकार बोलेगा कि मुझे नहीं आता है तो अच्छी बात है, आप उसको टोकिएगा भी मत, नहीं आता है तो अच्छी बात है भैया, क्योंकि उस कलाकार के भी मन में फीलिंग आएगी कि नहीं यार मैंने यार इनका दिल दुखाया, तो अगले साल जाएगा तो वो उस तैयारी से जाएगा। तो कम से कम हमारे भजनियों में भी एक जागृति पैदा होगी। हर जागरण में आप लोग कथाओं की, एली फकीरी ब्रेणियों की, मेरी जितनी भी राजस्थान की जनता मुझे देख रही है, हर जागरण में आप जितना हो सके शास्त्रों से जुड़े हुए भजनों की आप लोग डिमांड कीजिएगा। आपके लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये वीडियो बहुत ही जल्दी पीआरजी चैनल पर आने वाला है, और मुझे पता है काफ़ी रिएक्शन इसमें नेगेटिव भी आएंगे और काफ़ी रिएक्शन पॉजिटिव भी आएंगे। तो जितने भी मेरे कलाकार बंधु हैं, जितने भी मेरे राजस्थान की जनता है, जितने भी मेरे बाबूजी के भक्त हैं, बहुत ही जल्दी वापस इसी जगह पर, इसी चैनल पर अगर कोई नेगेटिव अगर कोई रिएक्शन आएगा तो मैं वापस जवाब देने के लिए आपके बीच में बहुत ही जल्दी हाजिर होने वाला हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच में राजस्थान के लोक गायक गजेंद्र जी राव। इसी तरीके से हम आप सभी के लिए राजस्थान की ढेर सारी शख्सियत को समय समय पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीना राठौड़ के साथ जीवन दर्पण, मन की बात। नमस्कार।